जय हो दुर्गा मैया की। जय दुर्गा मैया की। चलो बिटवा, अब तुम दोनों माई के सामने अपनी अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरो और उन्हें मिठाई खिलाओ। और तुम दोनों बहुरिया अपने अपने पति के पांव छुओ। बस दादी, मुझसे अब और ड्रामा नहीं होता। सिस्टी भोरिया, ये क्या कर रही हो? दादी जी, हम दहलीज के अंदर तो आ गए, लेकिन अब हमें किसी बंधन में मत बांधिए। ऐसी किसी रीत का कोई मतलब नहीं है जहां मन की इच्छा ना हो। हर रिश्ता, हर बंधन दिल से जुड़ा होता है, और जहां दिल ना जुड़े हो वहां ऐसी रीत निभाने का क्या फायदा। अब हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। सिस्टी भौरिया, हम तुम्हारे मन की दशा समझते हैं। ये सब विधि विधान तो बाद में भी होता रहेगा। चलो, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देते हैं। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी नहीं बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभीरू मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे।
अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ, वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।